अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। ईरानी सदर का कहना है कि गजा के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़ को सराहते हैं। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद मुअत्तल। टैक्स ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस जेरे समात हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 6 गवाहों के बयानात कलम बंद। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम आइन और कानून की बात करते हैं, जेल में किसी सूरत ट्रायल नहीं चल सकता। आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। वजीर ख़जाना की इस्लामाबाद में बिजनेस समिट 2024 से खिताब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगु। वजीर ख़जाना का कहना था कि आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है और कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। ईरानी सदर मज़ार इकबाल हाजिरी देने पहुंचे, जहां उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनका कहना था कि गजा के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौकफ को सराहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेहमान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। बाद अज़ा ईरानी सदर मज़ार इकबाल हाजिरी देने पहुंचे, जहां उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस मौके पर कहा कि मैं चाहता हूं कि अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन वजूहात की बिना पर ऐसा ना हो सका। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की कदर करता हूं और पाकिस्तान के अवाम को ईरानी सुप्रीम कमांड की जानिब से सलाम पेश करता हूं। सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत बहुत अहम है, उनकी इल्हामी सलाहियत ने बातिल क़ुव्वत और इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़ा होना सीखा। उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान उनसियत का रिश्ता पाया जाता है। गजा से मुतालिक मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौकफ को सराहते हैं। गजा की जंग में फलस्तीन की फतह होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। जैसे आपको अपनी कौम पर नाज है, वैसे हमें भी अपनी कौम पर नाज है। हमें अपने मुजाहिदीन पर बहुत ज्यादा नाज है। उनका कहना था कि हमारे सुप्रीम लीडर भी यही कहते हैं, इस जंग में गजा और फलस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे। इस जंग में तबाही सहयोनियों और इसराइलियों की होगी। गजा से मुतालिक उसूली मौकफ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती माहिदों पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ईरान के साथ तजारती माहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती माहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस लेते हुए चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स
केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस लेते हुए चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतालिका तमाम अफसरान को मअतल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टैक्स ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस जेर समात हैं। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस के जल्द निपटाए जाने की दरख्वास्त की थी। वजीर आजम ने हुकूमत संभालते ही FBR इस्तेहाद के जल्द और फौरी नफाज की हिदायत जारी करते हुए जाती तौर पर इस अमल की निगरानी का फैसला किया था। हाल ही में इस्लामाबाद में FBR के वकील की जानिब से अदालत में ऐसे ही एक केस की तारीख में ताखीर की इस्तेदा पर वजीर आजम ने नोटिस लिया। वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर वाकई की इंक्वायरी की हिदायत की। वजीर आजम का कहना था कि कौमी खजाने का सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाजात का शिकार है, इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अपनी आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है, हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, आवाम का हक है कि उनका वोट सही तरीके से गिना जाए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज अडियाला जेल में अल कादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI से मुलाकात हुई है। आज प्रोसिक्यूशन के 21 गवाह मुकम्मल हो गए हैं। किसी भी ट्रस्टी का ट्रस्ट प्रॉपर्टी से ताल्लुक नहीं होता, इंशाल्लाह सियासी बुनियादों पर बना हुआ ये केस खत्म होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कबल बॉक्स भरे हुए थे और इलेक्शन के नतायज उनकी तवक्कात के मुताबिक आए। आवाम का हक है कि उनका वोट सही तरीके से गिना जाए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया है। बानी PTI ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने अदालत में फॉर्म 45 पर पटीशन फाइल की, 2 माह से सुनवाई नहीं हो रही। हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। हम फॉर्म के मुताबिक अपना खोया हुआ मैंडेट वापस लेना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि हम आइन और कानून की बात करते हैं, जेल में किसी सूरत ट्रायल नहीं चल सकता, आप ओपन ट्रायल करें। आज जज साहब से दरख्वास्त की गई लेकिन मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केस बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, इसको मज़ाहमत नहीं कहते। हम आइन और कानून की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इल्तिजा करते थक गए। हमारा टकराव का मुतालबा हर केस नहीं, हम आवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। हम नतायज कबूल कर लें या डील कर लें। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि कल भी हमें बीबी की सेहत के बारे में आगाह नहीं किया गया। कल सुबह बताया गया कि बुशरा बीबी हार्ट अटैक की तरफ जा रही हैं। जहां तक जहर की बात हो रही है, टेस्ट के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला उस्मान गुल और जहीर अब्बास भी अदालत में पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद और 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयान कलमबंद और 15 पर जरह मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि रमा साल 6 जनवरी को होने वाली समाअत में बानी PTI और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी थी। बाद अजा 6 मार्च को होने वाली समाअत में नैब के 3 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए थे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुलजिमान को इश्तिहारी और मफरूर मुजरिम करार दिया था। बिजनेस समिट 2024 में तरक्की के लिए तआवुन के मौजू पर खिताब करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत ने ज़रई शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाए और अफरात ज़र को काबू करने के लिए इकदाम किए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी, जबकि स्टाफ लेवल मुहायदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। बिजनेस समिट 2024 में तरक्की के लिए तआवुन के मौजू पर खिताब करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत ने ज़रई शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और अफरात ज़र को काबू करने के लिए इकदाम किए हैं, जबकि हुकूमती इकदाम के बायस टैक्स वसूली में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, जबकि पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया है। हुकूमत ज़रात और सनअती शोबे की तरक्की को फ़रोग दे रही है। हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारी को रागब करने के लिए इकदाम कर रही है।
مالی سال 2024 میں جی ڈی پی میں اضافے کی توقع ہے اور افراط زر کی شرح کا امکان ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایس بی اے ناگزیر تھا. آئی ایم ایف سے ہم مائکرو اکنامک استحکام کے لیے پروگرام لیں گے. انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے اور ان ایام میں اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں کو چھو رہی ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 16 اپریل 2024 تک بڑھ کر 13.3 بلین ڈالر ہو گئے جو جون 2023 میں 9.7 بلین ڈالر تھے. اسٹیٹ بینک نے افراط زر کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے جون 2023 سے پالیسی ریٹ کو 22% پر برقرار رکھا ہے. حکومت سولرائزیشن، یوتھ انٹرپرینورشپ، آئی ٹی سیکٹر کے فروغ، ایس ایم ای سرمایہ کاری کی برآمد میں سہولت اور صنعتی پیداوار پر توجہ دے کر زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کو فروغ دے رہی ہے. بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ 24ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی پروگرام ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مالیاتی خسارے کو قابو میں رکھنے کا ہدف رکھا ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف بورڈ کا رواں ہفتے آنے کا امکان ہے اور اس ہفتے کے آخر تک قسط ملنے سے زر مبادلہ ذخائر بہتر ہو جائیں گے. وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا پروگرام ہے اور کوئی ہم سے کچھ نہیں کروا رہا ہے. بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے ہماری اپنی ترجیحات ہیں. انہوں نے کہا کہ تاجروں کی رجسٹریشن اسکیم کے حوالے سے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. امید ہے اس اسکیم میں بہتری آئے گی اور اس حوالے سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.